पतले पानी चार कोस पे बानी, अतरंगी इस देश की देखे भैया अजब कहानी। मधुबनी तो गजब है भाई, दम बिरयानी भेल मिठाई, ढूंढ लो चाहे सारी दुनिया नहीं मिलेगा मेरा इंडिया। ऋषियों ने किए तप जहां और नारद ने गाए गान, चांद सी धरती है जहां और फल फूल रहा विज्ञान, चांद तो क्या मार्स भी जीता ऐसे है इसरो के बंधु। भारत से जुड़ी ये पंक्तियां उन कहानियों को बाखूबी बयां करती हैं जो हमारे सफर का हिस्सा बनने वाली है। आज सबसे पहले हम जानेंगे वो अनोखा फॉर्मूला जिससे हजारों मंत्रों को याद रखा जा सकता है। फिर मॉडर्न इंजीनियरिंग का ऐसा अजूबा देखेंगे जिसे दुनिया हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के नाम से जानती है। महात्मा गांधी कहते थे, भारत का दिल उसके गांव में बसता है। आज हम एक ऐसे गांव में जाने वाले हैं जिसकी जमीन चांद की याद दिलाती है। और आखिर में दुनिया के सबसे आलीशान महलों में से एक देखने चले जिसमें मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी डाइनिंग टेबल। आज इस सफर में जहां प्राचीन भारत की झलक है तो साथ ही है आधुनिक भारत के ऐसे अजूबे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। घाट घाट पे बदले पानी, चार कोस पे बानी, अतरंगी इस देश की देखे भैया अजब कहानी। एज एन एक्टर हमें लंबे लंबे डायलॉग याद रखने पड़ते हैं जो कई बार काफी मुश्किल भी हो जाता है। आई एम श्योर कि आपको भी चीजें याद रखने में तकलीफ आती होगी, है ना? पर कभी सोचा है कि सालों पहले जब वेदों को लिखा भी नहीं गया था तब हजारों मंत्रों को कैसे याद किया जाता होगा? वेल, आज मैं आपको प्राचीन भारत के वैदिक स्कूलों का वो जादुई फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसने कई जनरेशन से मेमोरी की पावर को बढ़ाया है और वेदों के ज्ञान को संभाल कर रखने में मदद की है। मेमोरी, याददाश्त, क्या है इसका महत्व और कैसे करें इस पर काबू? प्राचीन काल के गुरु ये भली भांति जानते थे। एक ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी है, ये उसकी एक खासियत है कि वो नई मेमोरीज को स्टोर करता ही रहेगा, आपके अंदर कितनी भी मेमोरी क्यों ना हो। ह्यूमन ब्रेन की लिमिटलेस कैपेसिटी का उदाहरण हमें उस तकनीक में मिलता है जिससे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा जाता था। वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी बोल कर सिखाया गया। इन्हें लिखा तो बहुत बाद में गया, 1500 और 1200 BCE के बीच में। पहले गुरु अपने शिष्यों को श्रुति और स्मृति यानी लिसनिंग एंड मेमोराइजिंग की अनोखी टेक्निक इस्तेमाल करके ग्रंथों को सिखाते थे। जरा सोचिए, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, उसके करीब 10,600 मंत्रों को बिना लिखे कैसे याद किया जाता होगा? लिखने की कोई परंपरा भी नहीं थी और ग्रंथ भी नहीं थे। सृष्टि के ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं वेद। प्राचीन भारत के गुरुओं ने कई कमाल के फॉर्मूले ईजाद किए जिससे ग्रंथों में लिखे हजारों मंत्रों को याद रख पाना बच्चों के खेल के जितना आसान हो गया।
उन्होंने वेदों के लंबे मंत्रों को छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, जिन्हें शब्द कहा जाता है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को ना क्रम पाठ नाम के एक फॉर्मूले के हिसाब से बोलते हैं। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमः। देखिए, इस तरह पहले और आखिरी शब्द को दोहराया नहीं गया है, जबकि बाकी सारे शब्द दोहराए गए हैं। तो अगली बार जब आप क्रम पाठ सुने तो याद रखिएगा, इसमें फॉर्मूला छुपा है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्रम पाठ के अलावा वेदों को याद रखने के लिए करीब 9 और फॉर्मूले भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे सुनिए, मंत्रों के जाप के पीछे भी एक खास साइंस है। मंत्रों को कुछ इस तरीके से जपा जाता है जिससे उन्हें याद रखने में मदद मिलती है। लेकिन एक और चीज थी जो मेमोरी बढ़ाने में मददगार साबित हुई, मेडिटेशन। आपको एक मेडिटेशन का एक पर्टिकुलर तरीका शुरू करना है। अगर आप उसको रेगुलरली एक सर्टन टाइम तक करते हैं, 2 से 3 महीने पे इसका मेमोरी पे इफेक्ट देखेंगे आप। मेडिटेशन करने से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, साथ ही बढ़ता है ब्लड में मौजूद सेरोटोनिन का लेवल, जो कि एक पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है और मूड को रेगुलेट करने में मदद करता है। सेरोटोनिन एक केमिकल है, एक हार्मोन है, जो आपके ब्रेन को हाइपर एक्टिव और बहुत खुश बनाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिस हिसाब से आपके इम्पल्सेस चलते हैं वो काफी फास्ट हो जाते हैं और इसलिए आपकी मेमोरी बढ़ती है। सदियों से इस अनोखे अंदाज में सीखते और पढ़ते हुए मेमोरी को मास्टर कर चुके इन महारथियों ने हमारे ग्रंथों के ज्ञान को ही नहीं बल्कि भारत की उस धरोहर को भी संजोकर रखा है जो हमें विरासत में मिली है। हिमाचल के पहाड़ों में जब चंद्रा और भागा का संगम होता है तो जन्म लेती है चेनाब। चेनाब वो नदी है जिसका जिक्र हीर रांझा जैसी अमर प्रेम कहानियों में किया जाता है, लेकिन आज इस नदी का जिक्र हम दुनिया के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की वजह से कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट चेनाब ब्रिज। कश्मीर की हसीन वादियों में बनाया जा रहा है विज्ञान का एक अजूबा, दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, द चेनाब ब्रिज। 1315 मीटर लंबा, नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना और 467 मीटर के आर्च से सजा ये पुल आईफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी इमारतों से भी ऊंचा है। चेनाब ब्रिज को उत्तर रेलवे और केआरसीएल के संरक्षण में शाहपुरजी पालनजी ग्रुप की कंपनी एफकॉन्स बना रही है। See, this project is an iconic bridge. So, one of the main challenges was access to the bridge location to transport equipment and construction materials. The seismic activity, which is of a very high nature in these areas, was another challenge. In order to overcome this, earthquake response was obtained from IIT Roorkee and incorporated into the design. अब सुनिए एक कमाल की बात। इसमें 25,000 टन मेटल इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी आईफिल टावर से तकरीबन 3 गुना ज्यादा। पता है जब चेनाब ब्रिज तैयार होगा तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण क्या होगा? इसका आर्च। इसे इंजीनियर्स ने करीब 2.5 साल लगाकर केबल क्रेन्स की मदद से तैयार किया है। लेकिन इस पुल में सिर्फ खूबसूरती पर ही नहीं बाकी तमाम पहलुओं पर भी ध्यान रखा गया है। ये -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान को और 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को आसानी से झेल सकेगा। Isn't that amazing? और तो और
इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि 2001 के गुजरात भूकंप जैसे हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स का भी सामना कर लेगा। The beauty of this bridge is that even if one of the pillars is missed, you can still have the bridge intact. Major fabrication has been done at site as compared to what is normally done in the European countries. The quality that has been achieved has been appreciated by a lot of international experts who have come and visited this project site. रियासी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा ये पुल न सिर्फ कश्मीर के कौरी और बक्कल गांवों को जोड़ेगा बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधी रेल सेवा शुरू करने में भी मददगार साबित होगा। दिस प्रोजेक्ट हैज सेट अ बेंचमार्क इन बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इंजीनियरिंग विद द हेल्प ऑफ आवर ओनर्स नॉर्दर्न रेलवे एंड एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड and the local population. चिनाब ब्रिज सिर्फ यातायात के बेहतर रास्ते ही नहीं खोलेगा बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाने का जरिया भी बनेगा। इसे देखकर हर भारतीय गर्व से कहेगा, It happens only in India. चाहे चंदा मामा की लोरी हो, बादलों में छुपे चांद को बयां करता हुआ लव सॉन्ग या चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाने वाला टंग ट्विस्टर, बचपन से लेकर जवानी तक चांद हमारे जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में एक ऐसी जगह है जिसे मूनलैंड कहा जाता है। क्यों, होश उड़ गए ना? लेह और कारगिल के बीच एक छोटे से गांव में है इंडिया का मूनलैंड, यानी ऐसी जमीन जो चांद की याद दिला देती है। धरती पे जन्म लेने के बाद से ही हम इंसान चांद के बारे में जानने की कोशिश में लगे हैं। चांद पर पहला कदम रखने से लेकर उसकी सतह पर पानी खोजने तक हम आज भी इसके रहस्यों को सुलझा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत की धरती पर एक ऐसी जगह है जो काफी हद तक चांद के जैसी है। लेह से लगभग 130 किलोमीटर दूर ये है लामा यूरू। मूनलैंड के नाम से मशहूर इस जगह का जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। लामा यूरू, उसका लैंडस्केप ही बहुत अजूबे किस्म का है। इसको देखते ही लगता है ये पृथ्वी का पार्ट हो ही नहीं सकता। कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधे नहीं है, बहुत कम हवा है, प्रेशर बहुत कम है, इसीलिए इसको मूनलैंड बोला जाता है। सूखा पड़ा ये इलाका हमेशा से ऐसा नहीं था। माना जाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। लामायुरु में एक झील हुआ करती थी 40,000 से 35,000 साल पहले, इसकी डेट है। अब क्या हुआ, पानी तो चला गया और चिकनी मिट्टी जो लेक्स में डिपॉजिट होती है वो रह गई, और ओवर द इयर्स उसमें क्रैक्स बन गए, इस तरह के फीचर्स बन गए जो बिल्कुल अलग से लगते हैं, जो बिल्कुल लूनर लैंडस्केप की हमें याद दिलाते हैं। कहते हैं 11वीं शताब्दी के आसपास नरोपा नाम के एक ऋषि ने उस झील को हटाकर यहाँ एक मॉनेस्ट्री यानी मठ की स्थापना की, और अब लामायुरु मॉनेस्ट्री लेह लद्दाख की सबसे पॉपुलर मॉनेस्ट्रीज में से एक है। लेक तो चला गया, उसके जो सेडिमेंट्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से वो इरोड हो रहे हैं, वेदर हो रहे हैं, तो उनके जो फीचर्स जो बन रहे हैं आजकल वो हमें चांद और मार्स की याद दिलाते हैं, इसीलिए उसको लूनर टोपोग्राफी कहते हैं। मार्स और मून के सरफेस को स्टडी करने के लिए ये जगह रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मार्स में भी हमें पानी मिला है, हमें कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग मिली है, वहाँ के जो रोवर्स से, वहाँ के जो सैटेलाइट से डेटा हमें मिलता है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए और उसको वैलिडेट करने के लिए पृथ्वी पे इन जगह को समझना और इसमें शोध करना बहुत ही आवश्यक होता है। साइंटिस्ट हो या टूरिस्ट, लद्दाख की ये मॉनेस्ट्री सबको अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ चांद पर चलने का अनुभव भी देती है। धरती पर चांद जैसा एक्सपीरियंस, वेल, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।
अब मैं आपको भारत की एक बेहद खूबसूरत इमारत दिखाने वाला हूँ, हैदराबाद की आन बान और शान का प्रतीक फलकनुमा पैलेस। एक ऐसा महल जिसे देखने वाला हर शख्स इसकी खूबसूरती में खो जाता है। निजामी शान का प्रतीक, एक ऐसा पैलेस जहां 6,000 किताबों से सजी लाइब्रेरी है, बकिंगम पैलेस जैसी बिलियर्ड्स टेबल और दुनिया की सबसे बड़ी डाइनिंग टेबल। फलकनुमा यानी आसमान के जैसा 32 एकड़ में फैला ये रॉयल पैलेस भारत के संसद भवन से 5 गुना बड़ा है। बिच्छू जैसी बनी इसकी इमारत बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से उतनी ही आलीशान। इस पैलेस को 1893 में नवाब सर विकार उल उमरा ने बनवाया था। कहते हैं इसे बनाने की इंस्पिरेशन उन्हें यूरोप में घूमते हुए मिली थी, लेकिन 40 लाख रुपए में बने इस पैलेस की वजह से वो कंगाल होने के कगार पर आ गए। फिर एक दिन जब हैदराबाद के 6th निजाम मीर महबूब अली खान यहाँ रुकने आए, तो उन पर पैलेस की खूबसूरती ने ऐसा जादू किया कि उन्होंने मदद का हाथ बढ़ा दिया। पैलेस की ये सीढ़ियां समय का पहिया मोड़कर निजामी शान शौकत के दौर में वापस ले जाती हैं। दीवारें हों या कमरे, यहाँ आज भी वही खूबसूरती नजर आती है जिसने निजाम के होश उड़ा दिए थे। इस वॉलनट कार्व्ड रूफ के नीचे बनी है एक बड़ी सी लाइब्रेरी। कहते हैं इसे बनाने की इंस्पिरेशन विंडसर कैसल से ली गई है। लाइब्रेरी में सजी करीब 6,000 किताबें किसी खजाने से कम नहीं। ये निजाम के पर्सनल कलेक्शन का हिस्सा रही हैं। आपको पता है इनमें से कुछ को तो 1801 में छापा गया था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक वक्त था जब पैलेस को गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इस लाइब्रेरी में यहाँ आए सभी शाही मेहमानों का लेखा जोखा आज तक संभाल कर रखा गया है। लेकिन पैलेस का सबसे शानदार नगीना है इसकी डाइनिंग टेबल। 7 अलग अलग टुकड़ों से बनी और 80 फीट लंबी ये दुनिया की सबसे बड़ी डाइनिंग टेबल है। यहाँ बेहतरीन बेल्जियन शैंडेलियर्स की रोशनी में बैठे 101 गेस्ट्स एक साथ खाने का ठीक वैसे ही मजा ले सकते हैं जैसा कभी इस पैलेस के शाही मेहमान किया करते थे। दीवारों पर ये खूबसूरत पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये दरअसल निजाम का मेन्यू था। कहा जाता है कि निजाम अपनी पसंद का खाना चुनने के लिए इनकी ओर इशारा कर देते थे। वैसे इस डाइनिंग रूम में एक और हैरान करने वाली खासियत है, इसे कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि धीरे से बोली गई बात भी टेबल के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच जाती है। आपको पता है कहते हैं दुनिया में सिर्फ 2 ही मैनुअली ऑपरेटेड पाइप ऑर्गन हैं, और उनमें से एक इस पैलेस में है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ की बिलियर्ड्स टेबल हूबहू बकिंगम पैलेस की बिलियर्ड्स टेबल की जैसी है। लेकिन ये सब देखने के बाद जब आप पैलेस की गोल टेरेस से हैदराबाद का नजारा लेते हैं तो दुनिया भर की दौलत फीकी पड़ जाती है। हैदराबाद के बीचों बीच बना ये फलकनुमा पैलेस दुनिया का सबसे शानदार पैलेस होने के साथ साथ हिंदुस्तान की जमीन पर आसमान के टुकड़े से कम नहीं है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारी आज की सलामी का, और उसके लिए आज हम एक ऐसे मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं जिसमें दिन और रात एक हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं तिरुवनंतपुरम में मौजूद श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर के बारे में।
इस मंदिर के आर्किटेक्चर में ट्रेडिशनल केरला और ड्रेविडियन स्टाइल का खूबसूरत तालमेल नजर आता है। लेकिन मंदिर का सबसे खास अट्रैक्शन है 16th सेंचुरी में बना इसका गोपुरम। आई नो आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। वो क्या है ना कि गोपुरम के फ्लोर्स के बीचों बीच बनाई गई है खिड़की, और साल में दो बार जब इक्विनॉक्स होता है, यानी जब दिन और रात की ड्यूरेशन बराबर हो जाती है, तब डूबता हुआ सूरज लगभग हर 5 मिनट में गोपुरम की इन्हीं खिड़कियों से गुजरता हुआ नजर आता है। वाकई श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर इस बात का सबूत है कि सालों पहले इसे बनाने वाले खूबसूरत इमारतें बनाने के साथ साथ साइंटिफिक नॉलेज भी रखते थे। सदियों से संभाल कर रखा गया वेदों का ज्ञान, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बना पुल आलीशान, भारत के छोटे से गांव की चांद जैसी धरती महान, और आधुनिक भारत का वो चेहरा जिसने बढ़ाया है इसका स्वाभिमान। हमारा देश एक ऐसा अनोखा पिटारा है जिसमें आप जब भी हाथ डालते हैं तो कुछ ऐसा निकल कर आता है कि आप मुस्कुराते हुए कहते हैं, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया।